शिकोहाबाद के पक्का तालाब कटरामीरा में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठते देख लोगों ने तत्काल दुकान स्वामी को फोन कर दुकान के ताले तोड़कर दुकान में जलते हुए काउंटर को बाहर खींच लिया। इसी दौरान दमकल विभाग की गाड़ी भी पहुंच गई। गनीमत रही कि समय रहते दुकान से जलता काउंटर निकाल लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शिकोहाबाद के कटरामीरा में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठते देखकर लोगों ने तत्काल दुकान स्वामी को फोन कर दुकान के ताले तोड़कर दुकान में जलते हुए काउंटर को बाहर खींच लिया। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। बैंक ऑफ इंडिया के पास कटरा बाजार पक्का तालाब पर सोनू यादव की नेहा गारमेंट नाम से दुकान है। वह बीती रात दुकान बंद कर घर चला गया। इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। रेडीमेड की दुकान है, इसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोगों ने दुकान का ताला खोला। ताला खोलकर बूझ बूझ के साथ सारी आग बुझा दी गई है। काफी नुकसान बच गया है व्यापारी का। क्या कारण है, किन कारणों से लग रहा है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। और पहले मीटर के तार काट दिए गए और तार काट के और उसकी लाइट कट कर दी गई। उससे थोड़ा बहुत जला कपड़ा है, वो बाहर फेंक दिया है और आग पे काबू पा लिया है। आग लगते ही दुकान से धुआं उठने लगा। यह देखकर स्थानीय लोगों ने दुकान स्वामी को फोन कर दुकान के ताले तोड़कर जलते काउंटर को बाहर खींच लिया। गनीमत रही कि काउंटर की आग कपड़ों तक नहीं पहुंची। काउंटर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचने से पूर्व ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के SI ब्रजेश ने बताया कि आग कैसे लगी है, इसकी जाँच की जा रही है। सी न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।